प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्थे असी व्यवस्थित की गई है। इहदा मेन वजह यह सी कि दो दिन तो कल तो लैके इत्थे SKM नॉन पोलिटिकल दे वल्लों एक लगातार लंबी मीटिंग की गई है, जिहदे बहुत सारे मसलियां ते चर्चा हुई है। पुरानियां मंगां साडियां जिहड़ियां अंदोलन के दौरान अधूरियां पईयां मंगां सी उन्हां नूं लागू कराउण दी गल सी, जिहदे विच साडे किसानां दे मुकदमे होए सी, उन्हां नूं कंपनसेट करना सीगा शहीदां दे परिवारां नूं, और उहदे नाल नाल जिहड़े साडे UP दे अंदर किसान शहीद होए उन्हां नूं इंसाफ दिवाउणा सी, और उह जिहड़ियां मंगां पईयां सीगियां जिवें उहदे 'च MSP दी गरंटी दा कानून लैणा उन्हां नूं लै के, ते नाल उहदे एक बहुत वड्डी गल सीगी कि C2+50 नाल किसान नूं फसल दा भाव मिले, नाल इह सीगा कि किसान नूं कर्ज मुक्त किया जाए, नाल इह सीगा कि 60 साल तो उपर जाके किसान नूं पेंशन दिती जाए, और इस तों अगली गल कि सारे पुआड़ियां दी जड़ WTO है, गैर समझौता है। जिन्नी देर तक गैर समझौता WTO दे विच्चों भारत बाहर नहीं आउंदा उन्नी देर तक ये अंदोलन जारी रहेगा। इहदे लई इह अंदोलन सी और उहदे वास्ते इह मीटिंग कीती है और तुहानूं दस्सिया है। नाल अगली गल है, इहदे वास्ते असीं इह प्रोग्राम लिखिया है कि 20 पूरे भारत दे विच हजे तक साडियां लेकिन 20 कोई होईयां ने, हो सकदा अगे अदर स्टेटां दे विच होर हो जाण, वड्डियां पंचायतां करके इकट्ठ करके लोकां नूं अंदोलन दे लई तैयार करांगे, और 26 फरवरी नूं असीं दिल्ली वल कूच करांगे। ये प्रोग्राम है साडा साडियां इन्हां मंगां नूं लेके। धन्यवाद सर, शांतिमय होएगा जिहड़ा तुसीं दिल्ली कूच करोगे, जे किते रोकिया जाएगा तां रुक जाओगे या दिल्ली आओगे? देखो हजे वह फरवरी च है, 26 फरवरी है, साडी कोशिश हमेशा हुंदी है कि असीं शांतमय रखना है, असीं कदे भी उहनूं मतलब उग्र होण दा अलाउ नहीं करते, लेकिन यह सरकार तो डिपेंड करता हुंदा है। सरकार अगर सानू शांतमई ढंग दे नाल इत्थे आउण देगी तां असीं शांत रहांगे, साडा की रौला है। अगर सरकार किते सानू गिरफ्तार करदी है, अगर सरकार सानू किते मतलब बैरीकेडिंग करके रोकदी है, फिर तां मतलब असीं दिल्ली आउणा, साडी राजधानी है, सानू इत्थे आउण दित्ता जाए, आपदी गल रखण दित्ती जाए। देखिए हमारी SKM नॉन पॉलिटिकल की राष्ट्रीय मीटिंग हुई है दिल्ली में, और हमने ये तय किया है कि 8 बड़ी महत्वपूर्ण मांगे हैं किसानों की, उस पर आगे कैसे आंदोलन किया जाए उसकी रणनीति बनाई गई है। 8 जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, पहली मांग तो ये है कि C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों की MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। दूसरी हमारी मांग है देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। तीसरी जो हमारी मांग है, जो भाजपा शासित राज्यों में 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो सभी बदलाव वापस लिए जाएं, और दोबारा से भूमि अधिग्रहण के समय 70% किसानों की लिखित सहमति और कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान बनाया जाए। इसके अलावा हमारी 5 मांगे और हैं, तो इन मांगों पर आगामी 3 महीने में देश भर में हम 20 बड़ी बड़ी किसान महापंचायतों का आयोजन करने जा रहे हैं। जैसे हमारी 26 नवंबर को एक बड़ी महापंचायत उड़ीसा में है, उसके बाद 1 से 15 दिसंबर के बीच में हमारी बड़ी बड़ी महापंचायतें, 5 बड़ी महापंचायतें हमारी पंजाब में है, 20 से 30 दिसंबर के बीच में हमारी महापंचायतें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में हैं। तो इस तरीके से पूरे देश में जागरूकता अभियान चलने के बाद, जैसे हरियाणा में 1 से 15 फरवरी के बीच में है, उसके बाद हम 26 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच करेंगे और लाखों किसान हमारे दिल्ली में आएंगे 26 फरवरी 2024 को हमारी पेंडिंग मांगों को, हमारी मुख्य मांगों को पूरा कराने के लिए। यही हमने मीटिंग में तय किया। पिछले वाला जिस तरीके से आंदोलन रहा है, क्या वो भी रोक ले सकता है? देखिए वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा कर देती है, हमारी सरकार अगर हमारी बातों की सुनवाई करती है, तो फिर वैसा आंदोलन करने की जरूरत क्या है? किसी को सड़कों में बैठने का शौक थोड़ी है, और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आगे फिर उस पर भी विचार किया जाएगा, वो तो उस दिन तय किया जाएगा हमें क्या करना है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आज हमने पूरी रखी है जो बात, वो ये है कि कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, और चाहे केंद्र सरकार हो उसके साथ, या दिल्ली गवर्नमेंट हो, या पंजाब गवर्नमेंट हो, या हरियाणा गवर्नमेंट हो, ये सरकारें जानबूझ के दिल्ली में प्रदूषण के लिए किसान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया केंद्र सरकार ने, उसमें केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से मात्र 3 से 4% ही किसानों के कारण हो रहा है, बाकी तो व्हीकल्स के कारण हो रहा है, बाकी तो कंस्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, बाकी और चीज़ों के कारण हो रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आप देखिए कि
जो अर्ली वैरायटीज हैं पैडी की, चाहे 1509 वैरायटी हो, पीआर वैरायटी हो, उसकी हार्वेस्टिंग तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू हो जाती है। उस जमीन में तो सरसों की और गेहूं की बुआई भी हो चुकी है। तो अगर पराली जलाने से पोल्यूशन हो रहा होता तो ये पोल्यूशन तो फिर अक्टूबर में होना चाहिए था, लेकिन ये नवंबर में आगे क्यों होता है? क्योंकि जब ये त्योहारों का सीजन आ जाता है, इस समय पुतले जलाए जाते हैं, उसके कारण पोल्यूशन हो रहा है। इसमें किसानों को बेवजह टारगेट ना किया जाए।